आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। आज NMF न्यूज पर हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच की, जिसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो हो सकता है कि टीम इंडिया के लिए भारी पड़े। हमारे साथ मयंक शर्मा है, क्रिकेट के जानकार हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो फैक्टर्स हम आपको बताने जा रहे हैं कहीं वो टीम इंडिया के लिए पहले मैच में भारी ना पड़ जाएं। सबसे पहला जो फैक्टर समझ में आता है मयंक जी, कुलदीप शर्मा को पहले टेस्ट मैच से बाहर कर देना, ये कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है मैच के रिजल्ट के अगर नजरिए से देखें तो, क्योंकि आपने देखा है ये पिच जो है वो अभी से ही पहले दिन से ही टर्न ले रही है, थोड़ा सा सूखा विकेट है, बहुत ग्रीन विकेट नहीं है जो फास्टर्स को मदद करता है, तो उस स्थिति में कुलदीप यादव को ना खिलाना कैसा डिसीजन लगता है? देखिए, जब ये टीम सिलेक्शन हुई तो उससे पहले मुझे पूरी उम्मीद थी कि कुलदीप यादव को टीम 11 में जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका में शानदार प्रदर्शन किया था और यहाँ पर भी T20 सीरीज में भी और वनडे सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो बिल्कुल मौका देना चाहिए था। और ये ड्राई विकेट है, आप देखेंगे तीसरे दिन चौथे दिन तो ये और ज्यादा टूटेगी, तो ऐसे में अगर लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिनर है, एक अनसुलझी पहेली बन चुके हैं इस समय कुलदीप यादव, किसी को समझ नहीं आ रहा है इनको फ्रंट फुट पे खेले बैक फुट पे खेले कैसे खेले, तो ये ड्रॉप करना कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है मेरे को ऐसा लग रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब आप देख रहे हैं कि T20s में और वनडे में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, एक मैच को अगर छोड़ दें कुलदीप यादव को, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने बॉलिंग की और इंग्लैंड के जितने भी अच्छे अच्छे बैट्समैन अगर एक रूट को छोड़ दे तो बिल्कुल उनको पिक करने में दिक्कत हो रही थी कुलदीप यादव। देखिए, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खेलें कैसे उनको, और इसी चक्कर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करी, T20 में विकेट चटकाए और काफी इकोनॉमिकली भी रहे, यानी कि रन भी कम लुटाए हैं, तो पहले वनडे मैच में 6 विकेट लिए थे, शानदार गेंदबाजी की थी, तो ये बड़ा एक हैराने वाली बात थी कि आखिर कैसे उनको ड्रॉप किया गया। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है विराट कोहली की? मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो मुझे टीम इंडिया की जो एक प्लानिंग लग रही है और कहीं ना कहीं एक घबराहट नजर आ रही है, एक नेगेटिविटी नजर आ रही है इनकी टीम सिलेक्शन में भी, क्योंकि आप देखें टॉस के बाद भी विराट कोहली ने बोला कि हम इस कंडीशन में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना हम भी पसंद करते, तो मेरा ख्याल ये था कि बहुत अच्छी टेस्ट विकेट है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, तो ये चीज भारतीयों को इस चीज से बचना नहीं चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी ग्रीन टॉप विकेट होगी या जरा सा भी मॉइस्चर होगा तो ये लोग डिफेंसिव होते हैं, तो ये सोच बदलना पड़ेगा। अगर टीम इंडिया अगर आगे अगर कहीं ऐसा होता है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी और या इस टेस्ट मैच में, तो इंग्लैंड ने जिस अप्रोच के साथ पहले बैटिंग ली है, इंग्लैंड को अब एज जाएगा, उनके पास आदिल दाशी जैसा गेंदबाज है जिसने भारतीय गेंदबाजों को बल्लेबाजों को बड़ा परेशान किया है, बिल्कुल, तो ये इंग्लैंड के लिए प्लस पॉइंट है। और अब ये देखना होगा कि आर अश्विन हमारे पास एकमात्र स्पिनर है टीम में, अब उसके बलबूते पे अगर कहीं अपूर्व आप ये देख लीजिए कि इंग्लैंड की टीम पहली पारी में अच्छा स्कोर खड़ा करती है, 350 से ऊपर स्कोर बना देगी, तो निश्चित रूप से भारतीय टीम पे दबाव होगा, भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव होगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं इंग्लैंड, क्योंकि उनके पास जेम्स एंडरसन इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड उनके पास है और आदिल रशीद भी है, तो कहीं ना कहीं दबाव भी भारतीय बल्लेबाजी के ऊपर रहेगा, ठीक है, और डिपेंड ये रहेगा, मेरा मानना यह है कि सेकंड इनिंग तय करेगी इंग्लैंड की वो कैसे बल्लेबाजी करते हैं इस ड्राई विकेट पर, ठीक है। ये तो एक फैक्टर था जी कुलदीप यादव का। दूसरा फैक्टर मैं समझना चाहूंगा, चेतेश्वर पुजारा को न खिलाना इंग्लिश कंडीशंस में, आपने देखा है कि बाहर चेतेश्वर पुजारा का रिकॉर्ड अच्छा रहा है बनिस्बत भारतीय बल्लेबाजी जो और है, खुद इंग्लैंड में विराट कोहली का रिकॉर्ड पिछली बार का नहीं अच्छा रहा है, हालांकि ये कह सकते हैं कि चेतेश्वर पुजारा ने अभी जो हाल ही में काउंटी क्रिकेट खेला है 12 मैचेस में कुछ 14 के औसत से रन बनाए, हो सकता है वो भी एक वजह हो, लेकिन फिर भी चेतेश्वर पुजारा को ना खिलाना कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है? देखिए, मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैनेजमेंट ने किस हिसाब से टीम सिलेक्शन किया है यहाँ पे, जैसे कि डिफेंसिंग अप्रोच के साथ आपने बल्लेबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि भाई आपका पुजारा, जैसे आपने बताया कि काउंटी क्रिकेट खेले हैं वो, भले रन नहीं बनाए लेकिन एक्सपीरियंस उनको पूरा था इस कंडीशंस का, उन्होंने कंडीशंस में वक्त बिताया है यहां पर, और वो पिच पर टिक कर अच्छा खेलते भी, हमारे टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, और मेरे को तो कहीं ना कहीं उनके अंदर राहुल द्रविड़ भी नजर आते हैं, अगर एक बार जम जाते हैं तो बड़ी पारी खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सेटबैक था, बड़ा दुख हुआ देखकर कि आखिर 11 में क्यों नहीं उनको रखा गया, ये भारतीय टीम को भारी पड़ सकता है ये। जहाँ तक विराट कोहली की बात है, मैंने भी जहाँ तक उनको अभी तक समझा है, विराट कोहली ये कोशिश करते हैं कि जो भी बैट्समैन अच्छे फॉर्म को लेकर आ रहा हो अपने, उसको मौका देते हैं, तो आप देखिए लोकेश राहुल उनकी जगह जी अच्छा खासा उनका भी प्रदर्शन रहा है,
और जहां तक बात है चेतेश्वर पुजारा का, तो काउंटी में उनका बहुत कम एवरेज, 14 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं। चेम्सफोर्ड में जो प्रैक्टिस जी मैच हुआ उसमें भी बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे, हो सकता है ये फैक्टर रहा हो। लेकिन राहुल को खिलाना, पुजारा को ड्रॉप करना फैक्टर बड़ा साबित हो सकता है या फिर ठीक चल जाएगा अभी? देखिए, ये अगर अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन की, तो अब जैसे यहाँ पर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करी है तो फ्रेश विकेट का फायदा इंग्लैंड को ही मिलेगा, लेकिन इसके बाद मुझे जो लगता है कि यहाँ पर तीसरे दिन से विकेट ड्राई होना शुरू होएगा, तो कुछ ना कुछ कंडीशन भारतीय बल्लेबाजों के फेवर में आएगी। तो जहां पर केएल राहुल पसंद करते हैं कि जो है कि बॉल जो बैट पर आए और धीमी गति से आएगी, यहाँ पर थोड़ा नीचे भी रहेगा, तो यहाँ पर अब केएल राहुल कहीं ना कहीं सूझबूझ वाले प्लेयर हैं, बड़े समझदारी से खेलते हैं और अटैकिंग क्रिकेट भी खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना नेचुरल गेम तो खेलेंगे अटैकिंग, आप उनको अटैक करने से नहीं रोक सकते। तो यही एक ऐसा प्लस पॉइंट है जो भारतीय टीम के यानी की ये जो सेकंड फैक्टर है ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं आपके हिसाब से डालेगा। जी, तीसरा फैक्टर पे मैं आता हूं, हार्दिक पांड्या को खिलाना इंग्लिश कंडीशंस में। हार्दिक पांड्या जो आपको पता है पेस बॉलिंग भी करते हैं, अभी उनका डाइसी सा है, आप बाहर उनको जब भी लेकर गए हैं, ये तो उनका पहला इंग्लैंड का दौरा है, देखा है हमने कि सीमिंग कंडीशंस में बहुत अच्छा वो नहीं खेल पाते हैं, तो उस स्थिति में हार्दिक पांड्या को खिलाना ठीक रहेगा या फिर ये फैक्टर और भी बदल सकता था, हार्दिक पांड्या की जगह किसी और को भी मौका दिया जा सकता था जो टीम इंडिया को बैलेंस को मजबूती देता। देखिए, मेरा जो फेवरेट था इस मैच में कि हार्दिक पांड्या को इसमें ड्रॉप किया जा सकता था, क्योंकि ये बहुत ऐसी पिच नहीं है कि बहुत ज़रा जिसमें बॉल सीम होए, बॉल मूव करे, जहां पर थोड़ा बहुत हार्दिक मतलब प्लस पॉइंट साबित हो सकते थे, मददगार साबित कर सकते थे, और आपके पास ऑलरेडी तीन पेसर्स हैं इस टीम में और आपके पास अश्विन है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर कुलदीप यादव को लिया जाता इनके बदले तो ज्यादा फायदेमंद ये टीम 11 रहती, बहुत फायदेमंद रहता भारतीय टीम के लिए। जडेजा को भी मौका दिया जा सकता था उनकी जगह। जी बिल्कुल, जडेजा को भी मौका दिया जा सकता था, क्योंकि जडेजा क्या है कि एक अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, बिल्कुल है ना, और वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो और बहुत तेजी गति से गेंद करते हैं, तो उनको भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन ये थोड़ा चौंकाने वाला रहा है इस टीम में सिलेक्शन इस बार। तो ये जो बैलेंस लेकर चले हैं कोहली पहले मैच में, हमने देखा है कि अभी तक का जो स्कोर रहा है 130 रन पे 3 विकेट है, एक दो कैचेस भी टीम इंडिया के फील्डर्स ने छोड़े हैं, खैर तो वो तो हर मैच में होता है, लेकिन शुरुआत आगाज जिस तरीके का चाहिए था मिल पाया वैसा आगाज? देखिए, मेरे को लगता है कि अगर भारतीय टीम पहले सेशन में 3 से 4 विकेट लेती तो हम कहते कि भारतीय टीम ने इस पिच की जो नमी का फायदा उठाया, यानी कि इंग्लैंड बखूबी जानता था कि इतना ज्यादा इसमें मॉइस्चर नहीं है, हम इसको आराम से निकाल देंगे, अगर आधा पौना घंटा अगर हम आराम से खेलेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर ये बैटिंग ट्रैक बन जाएगा, तो इंग्लैंड इस चीज में टॉस जीता और वो अपनी प्लानिंग में कामयाब रहा। तो कहीं ना कहीं इंडिया टीम को अगर अगर भारतीय गेंदबाजों को जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा, अगर इंग्लैंड कहीं 350 अगर क्रॉस कर गया तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि उनके पास बड़े अच्छे गेंदबाज हैं और एंडरसन जो कि एक पहली है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, हालांकि इंजरी के बाद आ रहे हैं, हाँ, तो हम उम्मीद करेंगे कि बहुत ज्यादा फॉर्म अभी उनके साथ नहीं आ रहे, लेकिन वो एक ऐसा गेंदबाज है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में देखा है इंग्लैंड के लिए, और उन्हें पिछले बार भी बहुत परेशान किया था इंडिया, एक जुझारू क्रिकेटर है और जब जब भी वापसी करता है बड़ी शानदार वापसी करता है, तो ये देखने वाली बात होगी सीरीज में कि भारतीय बल्लेबाज कैसे एंडरसन को। एक और फैक्टर है जी, रूट की जड़ें कैसे उखाड़ी जाएं, रूट तो एक बार जम जाते हैं तो फिर जम ही जाते हैं, आप देखिए चाहे इंडिया आते हैं तब भी जम जाते हैं, इंग्लैंड में पिछली बार भी जम गए थे, एक तरफ विराट कोहली थे एक तरफ जो रूट थे, रूट ने एक के बाद एक शतक मारे थे, विराट कोहली की तरफ से फ्लॉप हो रहे थे, तो आज भी देखिए रूट 50 मार चुके हैं, अच्छा खेल रहे हैं और जड़े एकदम जमा चुके हैं, कैसे उनका कोई तोड़ हो सकता था? कुलदीप यादव हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उनको खिलाया नहीं, बिल्कुल नहीं खिलाया उनको, और ये टीम मैनेजमेंट की गलती है। अब आप देखना जब ये मैच खत्म होएगा, अगर ये मैच ड्रॉ भी होता है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजी अटैक के कारण होएगा, क्योंकि पिच के चौथे दिन और पांचवें दिन यहाँ बल्लेबाजी करना बड़ा मुश्किल होगा, और कुलदीप यादव यहाँ एक पहली बन जाते, अजब गजब पहली बन जाते, और ये भी होता कि सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड को जल्दी समेटने में उनका अहम रोल होता, तो ये कमी तो भारतीय टीम को निश्चित रूप से खलेगी। आखिरी में इन सारे फैक्टर्स पर जिसपे हमने बात की है उसको देखते हुए किस तरफ ये मैच जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, आपका आकलन? जी देखिए, मेरा आकलन यह है कि इस समय क्योंकि इंग्लैंड ने एक अच्छी शुरुआत कर दी है
और जो मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड तकरीबन ये चाहेगा कि 450 प्लस यहाँ पे स्कोर बनाया जाए और भारतीय बल्लेबाज पर दबाव बनाया जाए, और इस समय भारतीयों पर बहुत दबाव है। अब आप देखें कि विराट कोहली जो इनके मेन प्लेयर हैं इनके ऊपर बड़ा दबाव है, पिछला इंग्लैंड दौरान इनका सुपर फ्लॉप रहा था, तो भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव है। अब आपने शिखर धवन को भी मौका दिया है जो कि अभी तक इस पूरे दौरे पर फ्लॉप रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी आखिर भारतीय बल्लेबाजी किस तरीके से खेलती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा, और उम्मीद यही करेंगे कि इतिहास इस बार कम से कम टीम इंडिया रच के आए। ये सारे फैक्टर्स हैं लेकिन इन फैक्टर्स को पार करते हुए टीम इंडिया ये मैच जीते और शानदार आगाज हो। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही।